उधर झारखंड के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के मकसद से आज पूरे झारखंड में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें कि इससे पहले सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान सिमडेगा जिला में प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ था और इसके अच्छे काफ़ी परिणाम आए थे। और इसके बाद सरकारी स्कूलों में 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक बच्चों ने स्कूल के पोषक क्षेत्र में सीटी बजाते हुए स्कूल पहुँचे। इस मौके पर बच्चों में भी काफ़ी उत्साह दिखा, तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और सभी शिक्षक भी काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि रांची के काटा टोल स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से किया गया है। ज्ञान को लेके हम लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। हम लोगों भी 3-4 दिन से लगे हुए इसमें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी मैंने मीटिंग किया, कार्यशाला किया, जिसमें बीआरपी सीआरपी बीओ सभी उपस्थित हुए, उनको जानकारी दी गई और किस तरह से इसको फेसबुक ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करना, वो सब जानकारी सभी दिया गया। मैं जिला कार्यालय से बहुत ही इस कार्यक्रम का हैशटैग सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम का काफ़ी सकारात्मक परिणाम होगा आशा करते हैं और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं। सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान से सभी बच्चों और अभिभावकों में बहुत ही उत्साह है। सभी शिक्षक छात्रों और माता समिति के सदस्यों प्रबंधन समिति के सदस्यों सभी को जिम्मेदारी दी गई है। हर एक पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों को सीटी दी गई है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों को अपने साथ सीटी बजाते हुए लेकर आएंगे ताकि विद्यालय में उपस्थिति बढ़े, बच्चे उत्साहित होकर स्कूल आएँ ताकि उनको स्कूल में पढ़ाया जा सके, उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जा सके ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। आशा है इस अभियान से पूरे झारखंड प्रदेश में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी और बच्चे खुशी खुशी स्कूल आएंगे। जी, बचपन में हम लोग जब बजाते थे तो सब एक दूसरे को खेलने के लिए बुलाते थे और आज जो सीटी बजाया जा रहा है कि हम लोग का स्कूल का उपस्थिति बढ़े, सबको पढ़ने का मौका मिले। कैसा लगा आज सिटी? बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग के स्कूल की उपस्थिति बढ़ेगा तो हम लोग एक दूसरे से दोस्त बने रहेंगे इसलिए।